नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ महीने से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन बंद है, जिसके चलते जो बुजुर्ग है या विधवा महिला है या हैंडीकैप है, लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक मदद के लिए कहीं ना केंद्र सरकार की तरफ इस तरह की स्कीमें लाई गई थी कि थोड़ी बहुत इनकी आर्थिक मदद की जाए। और इस पिछले कुछ महीनों से जो कि उनके खातों में जो ये करना चाहेंगे कि वो पेंशन नहीं आ रही, जिसके चलते उनका यानी रोटी को भी मोहताज हो गए। जिन लोगों के पास कोई सरमाया नहीं, जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, वो इसी पेंशन पर डिपेंड थे, तो उनके कहीं दाल रोटी चलती थी, आज उसके लिए मोहताज हो गए। क्योंकि जो नई स्कीम, जो एक पॉलिसी यानी कि सर्कुलर निकला था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई थी और उसी के चलते पूरे कोई कुछ जो स्टेप थे उन्हें फॉलो करना था, ताकि फिर से उनकी पेंशन पर, कई लोगों ने पोर्टल, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया कि वहां पर अपनी पूरी जो डिटेल है उसमें अपलोड की जाए, पर कई लोगों का डिटेल अपलोड करने के बाद भी आज भी पेंशन से वंचित है। बुजुर्ग लोग है जो 60-70 साल के है, वो कैसे दफ्तरों को चक्कर लगाएंगे, कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। जो गांव में, ग्रामीण शहरों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, बुजुर्ग है, गरीब है, विधवा लोग है, हैंडीकैप है, वो किस तरह से दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। वो तो ये भी लोग कह रहे हैं कि हमने पोर्टल पर भी सारा जो डिटेल अपलोड की, उसके बावजूद भी वो आज पेंशन से वंचित है। और इसी के चलते आज अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एनहैंड पेंशन फ्रॉम 1000 to 5000। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो डिप्टी जो कि मेयर थे, उन्होंने बलदेव सिंह बलोरिया, उन्होंने भी गुहार लगाई थी प्रशासन सरकार से कि जो पेंशन ऑलरेडी पेंशन होल्डर है उनसे पेंशन को वैसे ही कंटिन्यू किया जाए। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये गुंगी बैरी सरकार के खिलाफ है, जो एसी के रूम में बैठ के ऑर्डर निकालती है और मेरी अमाम को तंग करती है। मेरा ये इस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फेल एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली। इन्होंने क्या, इन्होंने पेंशन के नाम पे लोगों को क्या किया, ऑफिसों के चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिए। इनको जब लेना होता है तब इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, जब इनको देना होता है तब इनके वेरिफिकेशन के नाम के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। 1000 की पेंशन के लिए मेरी माँ, मेरा बुजुर्ग सड़कों पे धक्के खा रहा है। आप मुझे बताइए क्यों नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास लोग नहीं है, क्यों नहीं ये लोगों के घर घर जाके वेरिफिकेशन करवाते। 1000 की पेंशन के लिए इन लोगों को तंग किया है, जब इन्होंने कुछ देना होता है तब इन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है। जब इन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, जब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, जब इन्होंने क्या नाम मीटर, स्मार्ट मीटर्स लगाए, तब इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की कि मेरी आम जनता इसको कैसे देगी, आम जनता सिलेंडर कैसे भरवाएगी। इन्होंने, ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल एडमिनिस्ट्रेशन है। इन लोगों का काम सिर्फ जनता को तंग करना है। ये लोग चाहते हैं हम लोग प्रोटेस्ट करें, इन लोगों के कान खोलें। ये टोटली फेल एडमिनिस्ट्रेशन है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बर्बादी के साल हैं। मैं कहती हूँ 9 साल इनके बर्बादी के साल हैं। इन्होंने लोगों को क्या किया, सिर्फ लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे मजबूर किया है, 1000 की पेंशन के लिए। और आप, आपके माध्यम से हमारी ये अपील है कि 1000 को पेंशन को बढ़ाकर 5000 किया जाए। आज 1000 की पेंशन से इन लोगों का कुछ नहीं बनता, 5000 पेंशन की करनी चाहिए। और आज आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी इस, जब इन लोगों के इंटरव्यूज लेते हो तो इन लोगों से पूछो 1000 की पेंशन से क्या होता है। हम लोगों से, आज हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी है। अगर ये इन लोगों ने शांतिपूर्ण इस प्रोटेस्ट को नहीं माना तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाई एक ऐसी पार्टी होगी इनके साथ प्रोटेस्ट करेगी, और इसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगी। प्रदर्शन हो रहा जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, देखिए। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के, क्योंकि जिस तरह से पेंशन को लेकर बुजुर्ग जो है, या बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष कहेंगे या ये कहेंगे कि जो विडो है, हैंडीकैप है, वो भी कुछ दिन, 2 दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन किया था। आज इस महंगाई के दौर में 1000 पे पेंशन से जहाँ कुछ नहीं बनता, चलिए कम से कम दाल रोटी तो चलती थी, पर अब दाल रोटी भी बंद होगी। सर से बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज परेशानी के आलम में बुजुर्ग हैं, महिला या पुरुष हैं, या विडो हैं, या हैंडीकैप हैं, 1000 रुपये की चलो आर्थिक थोड़ी मदद मिलती, आज उससे भी वंचित है। देखिए जी, हमें ये प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार है, इसने बिल्कुल टोटली फेलियर का काम किया है। और देखो, ये गरीब लोग 1000 पेंशन से जो गुजारा करते थे, जिनके आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनको भी ये नवे केवाईसी के लिए, इनको न्यू केवाईसी के लिए इन्होंने मजबूर किया, यानी कि इन्होंने पेंशन बंद करने का एक नया तरीका जो बनाया है,
ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सरकार की मर्जी है कि हम पेंशन पेंशन बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इलेक्शन है 2024 की, इनको पैसों की ज़रूरत है और ये इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं और लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो आम अपनी पार्टी की आवाज़ जो है वो इनके कानों पर पहुँचनी चाहिए और लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। साफ तौर आप देख रहे हैं कि इनका सर का कहना है कि केवाईसी के नाम के लोगों को इनको इलेक्शन के लिए 2000 जो भारतीय सरकार को 2024 के इलेक्शन है खास करके भाजपा सरकार को उन्हें पैसे चाहिए इसलिए उन्हें पेंशन का बहाना रखे केवाईसी के बहाने से चलते आज गरीबों को तंग किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की तरफ से एक आर्थिक मदद थी वो आज मदद से वंचित है। आज गरीब लोग जो विधवा है या यूं कहें जो लोग हैंडीकैप है या जो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आज सबकी पेंशन बंद है और कई लोगों को ये भी कहा गया था कि वो लोग केवाईसी के और कई लोगों केवाईसी करने के बाद भी उन लोगों को वो पेंशन से यानी कि वंचित है। यानी माना कि ट्रांसपेरेंसी करिए, ट्रांसपेरेंसी करनी भी चाहिए पर हाल ही में जो लगातार आवाज उठ रही है कि जो बुजुर्ग लोग जो 70 साल से 50 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो किस तरह से किराए का इंतजाम करें किस तरह से यहाँ तक पहुंचेंगे जो चल नहीं सकते इस समय 70 की आयु में या 50 की 60 की आयु में है या 80 की आयु में है तो किस तरह से यहाँ तक पहुंचेंगे उनके लिए कोई प्रावधान निकालना चाहिए। और कई लोगों में कनेक्टिविटी अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करें यानी पूरे डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करें। पर सवाल बड़ा ये है कि पहले जब इनकी पेंशन लगी तब भी तो ये इनकम सर्टिफिकेट जो जरूरी दस्तावेज थे वो अपलोड किए होंगे वो जमा करवाएंगे दफ्तरों में उसी के बाद इनकी पेंशन लगी होगी और कम से कम जो ऑलरेडी पेंशन लगी लोगों से है क्योंकि कई लोगों के तो कनेक्टिविटी भी नहीं है ना ही उनके पास इंटरनेट की सुविधा ना उनके मोबाइल फोन तो किस तरह से वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे जिसके माध्यम से लगातार जो परेशानी के आलम है समय हम बता रहे हैं आपको लाइव दृश्य डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिस के बिल्कुल बाहर है जहां पर आज अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और स्पॉट अब जितने भी पेंशन होल्डर्स हैं चाहे वो विडो पेंशन है चाहे बात करें हम हैंडीकैप पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन है क्योंकि पिछले कुछ 3 महीनों से लगातार उनके खाते में ये थोड़ी सी आर्थिक मदद जो केंद्र सरकार की तरफ से वो आना बंद हो गई है और उसी के चलते केवाईसी के चलते जो कि लोगों को ये कहा गया था कि पोर्टल पर जाकर डिटेल अपनी सबमिट करें और वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना जो पेंशन होल्डर्स है कि केवाईसी के बाद भी उन्हें अभी तक पेंशन से वो वंचित है अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिल रही और वहीं पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले उन्हें पैसे की मदद चाहिए उन्हें पैसा चाहिए इसीलिए उन्होंने बहाने से इन गरीबों की चाहे वो विडो हो चाहे ओल्ड एज हो चाहे वो हैडी को इनकी पेंशन बंद कर दी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।